हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कैसा समय चल रहा है, इतना विकराल रूप ले चुका है इंडिया में कोरोना। बहुत ही बुरी हालत है, डॉक्टर्स नहीं हैं और कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है कि कोई भी दिक्कत हो जाती है तो हम इजीली जाके डॉक्टर को दिखा पाएं। डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत बुरी वाली सिचुएशन इस टाइम चल रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम बताने वाली हूँ, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा सकती, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी। इसीलिए आपको अपने आप को इस वायरस से सेफ रखना है, संक्रमण से बचना है, तो आपको तभी हॉस्पिटल जाना है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 9 लक्षण बताने वाली हूँ जो अगर आपको दिखते हैं अपनी प्रेगनेंसी में तो ही आपको हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो फिजूल में आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। ये जो मैं लक्षण आपको बताने वाली हूँ ये पूरी 1 से लेकर 9 महीने तक के हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए है जिनका चाहे पहला महीना चल रहा हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, ये सभी के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये लक्षण कभी भी नजर आ सकते हैं आपको। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्या चीज नॉर्मल है और क्या चीज एबनॉर्मल है, मतलब कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब कौन सी चीज सीरियस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज आप सभी से मेरी हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाएं। और ये वीडियो अगर आपके घर में और कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है तो उनको भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स वो है ब्लीडिंग की, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी नॉर्मल नहीं होती है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है और 1 से लेकर 9 महीने तक आपको कभी भी अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे कि कई महिलाओं में स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो स्पॉटिंग होने लगती है, तो जैसे एक हल्का सा डॉट आया स्पॉटिंग का, लेकिन एक दिन आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको स्पॉटिंग की हो रही है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्यादा स्पॉटिंग भी ठीक नहीं मानी जाती है प्रेगनेंसी में, ब्लीडिंग पर तो आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना ही है, ब्लीडिंग पर तो बिल्कुल वेट ही नहीं करना है, क्योंकि ब्लीडिंग तो हर तरीके से प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम होती है। इसीलिए चाहे आपको ब्लीडिंग हो पूरी प्रेगनेंसी में से या फिर आपको स्पॉटिंग हो, 1 से ज्यादा दिन अगर आपको स्पॉटिंग हो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए। और ऐसे में मेरी आप सबसे यही सलाह है, जब भी विजिट पर जा रही हैं डॉक्टर के पास तो उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेकर अपने पास जरूर रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप अपने डॉक्टर से बात करके पूछ सकती हैं कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या प्रॉब्लम है, सब ये चीज़ें ये डिस्कस आप कर सकती हैं। इसीलिए आप अपने पास डॉक्टर का नंबर जरूर रखें। दूसरी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, पेट में दर्द होना। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में पेट के दाएं बाएं और निचले हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तेजी वाला पेन हो रहा है, और आप रेस्ट कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आपका ये पेन सही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यह पेन बिल्कुल पीरियड की मरोड़ों जैसा आपको हो रहा है, तेज वाला हो रहा है, तो ये डेंजरस होता है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कभी कभी गैस की वजह से भी और अपच की वजह से भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, तो वो पेट कैसा होगा, आपको पेट के ऊपरी हिस्से में पेन होगा। इसके साथ ही अगर आप गैस पास हो जाती है या आप फ्रेश हो जाते हैं तो ये जो पेट दर्द होता है ना वो सही हो जाता है, ठीक है। तो इस पेट दर्द में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पेट दर्द आपको पेट के दाएं बाएं मतलब लेफ्ट राइट और साथ में नीचे वाले हिस्से में अगर दर्द बहुत ज़्यादा तेज होता है और ये दर्द सही नहीं होता है काफ़ी टाइम तक, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरी बात है हाथों और चेहरे पर सूजन आना। जैसे कि फ्रेंड, प्रेगनेंसी में हाथ पैरों बॉडी पर सूजन आना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, क्योंकि कभी कभी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में सूजन की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हाथ पैरों और बॉडी के साथ आपको फेस पे भी सूजन आ गई है, फेस मोटा मोटा लगने लगा है, आंखें आपकी सूजी सूजी लगने लगी हैं
तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मैटर होता है, ऐसे में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथी प्रॉब्लम, सिर का दर्द ठीक ना होना। जैसे कि प्रेगनेंसी में सिर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द होता ही रहता है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब आप रेस्ट कर लेते हैं, हेड मसाज कर लेते हैं, या डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी हो पेन किलर के लिए वो आप ले लेते हैं और दर्द आपका भाग जाता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपका सिर दर्द अगर सही नहीं होता है, कंटिन्यू आपका सिर दर्द हो रहा है, तो ये फिर सीरियस मैटर है। ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पांचवी प्रॉब्लम है, स्किन पर बहुत ज्यादा लाल लाल से चकत्ते हो जाना, रैशेज जिनको हम बोलते हैं, या फिर बहुत ज्यादा खुजली होना। कई लेडीज को इतनी ज्यादा खुजली होती है प्रेगनेंसी में कि उनको ब्लड भी दिखने लगता है, मतलब खुजली करती हैं तो ब्लड भी निकल आता है, तो ये एक सीरियस मैटर है। अगर आपको इस तरीके की खुजली है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में खुजली होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर रैसेस हो, रेडनेस हो, लाल लाल चकत्ते से आपको एक जगह हो जाते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। छठवीं बात है, सब कुछ आपको धुंधला धुंधला नजर आने लगे। जैसे कि आप सुबह उठती हैं और आपको हल्का धुंधला धुंधला सा नजर आता है, और ये प्रॉब्लम पूरे दिन ही आपको बनी रहती है, कुछ भी आपको क्लियर नजर नहीं आता है, ब्लर आपको नजर आ रहा है सब कुछ, और ये प्रॉब्लम दिन और रात दोनों टाइम पे ही आपको हो रही है, तो ये सीरियस मैटर होता है, ये प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ऐसे में भी आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद सातवीं प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में एक दिन से ज्यादा बुखार रहना। जैसे कि प्रेगनेंसी में हैवी वेट की वजह से अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो जल्दी थकावट हो जाती है, तो थकावट की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब फीवर सा हमें फील होने लगता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन अगर ये आपको डेली डेली हो रहा है, एक दिन से ज्यादा हो रहा है, डेली आपको फीवर आ रहा है, तो ऐसे में इग्नोर ना करें। वैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना का एक मेन सिम्टम होता है फीवर आना, तो फ्रेंड्स आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आप प्रेग्नेंट है, इसीलिए कोई भी ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए, टाइम पर आप डॉक्टर को दिखा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको एक दिन से ज्यादा फीवर आ रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से आप सलाह लें। इसके बाद आठवीं चीज है, वो है बच्चे की हलचल बंद हो जाना या बहुत कम हो जाना। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का एक मेन सिम्टम माना जाता है बच्चे की हलचल। बच्चे की हलचल एहसास दिलाती है कि आपका बच्चा गर्भ में सेफ है, सुरक्षित है, हेल्दी है, ठीक है। वहीं अगर बच्चे की हलचल बंद हो जाती है तो ये सीरियस प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपका बच्चा हलचल कर रहा था, अच्छे से मूवमेंट करना बच्चे ने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि पांचवे महीने से बच्चे की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, आपका बच्चा पहले अच्छे से मूवमेंट करता रहा है, बड़ी अच्छे से मूवमेंट की है बच्चे ने, और फिर अचानक से बच्चे की मूवमेंट बंद हो जाए, मतलब कि 4-5 घंटे तक आपको बच्चे की कोई भी मूवमेंट समझ में ना आए, मूवमेंट बिल्कुल ना हो बच्चे की, या बच्चा पहले बहुत ज्यादा मूवमेंट करता था और बच्चे की मूवमेंट एकदम से कम हो गई है, तो फिर आपको ऐसे में भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये गर्भ में बच्चे के अनहेल्दी होने के सिम्टम होते हैं। ऐसा टाइम चल रहा है, छोटी से छोटी अगर जो मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ वो नजर आती है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम और ज्यादा ना बढ़ पाए। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर संभाल लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे कुछ सिम्टम नजर आए तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद नौवीं प्रॉब्लम है कि आपके मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मसूड़ों से खून आना बहुत ज्यादा डेंजर प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ऐसे में ज्यादा और प्रॉब्लम ना हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और वेट ना करें, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें। तो फ्रेंड्स, ये वो ऐसे 9 लक्षण है जो अगर आपको दिखते हैं तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिना फालतू के आपको डॉक्टर के पास ऐसे में नहीं भटकना चाहिए। आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है टाइम टू टाइम लेते रहिए, मेडिसिन मिस मत कीजिए, ठीक है। मेडिसिन खत्म हो जाती है तो आप डॉक्टर से बात करें, फोन नंबर, जैसे मैंने बोला ना कि फोन नंबर अपने पास लेकर रखें, तो मेडिसिन खत्म हो जाती है तो डॉक्टर से आप इजीली पूछ सकते हैं कि यही मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या कोई चेंज करनी है, तो आप डॉक्टर से इजीली बिना जाए हुए फोन पर सलाह ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बस फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
और इसके बाद अगर कोई जरूरी है जो मैंने सिम्टम बताया वो दिखते हैं तभी हॉस्पिटल जाइए, बार बार हॉस्पिटल मत भागे, क्योंकि ऐसे में हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जाते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ जाइए। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, कोरोना से कैसे बचना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उस वीडियो का वेट कीजिए, आपको कुछ ही दिन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए रेशूज ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।